एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित नवाड़ा गांव पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 18 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान जिलेदार सिंह हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1750 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राथमिक विद्यालय में लगभग 210 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 7 सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35 आवास का निर्माण भी कराया है। वह स्कूल में मरम्मत कार्य भी वर्तमान प्रधान द्वारा कराया गया है। पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 32 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 60 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 36 सोलर लाइट भी वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवास, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 शौचालय तथा सीसी रोड के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। जी साहब, मैं ग्राम पंचायत नवाड़ा का प्रधान हूँ। जी हमारे यहाँ जो मुझे धनराशि मिली मैंने गांव में विकास कराया और ताकि स्कूलों में मिट्टी मैंने डलवाई, सूर्य लाइटें लगवाई साहब मैंने, और जो भी पैसा आया मैंने गाँव में लगाया, और ताकि मैं ये चाहता हूँ मेरे गाँव को और धनराशि मिले तो हमारे यहाँ 100 मकान ऐसे हैं इन पर कच्ची छतें हैं जो उन लोगों के ताई मकान में अवसर हो जाए। कल वो याद करेंगे प्रधान जी की प्रधानी में आवास मिल गए और एक नाले का निर्माण रह गया साहब। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि साहब हमारा वो भी निर्माण पूरा हो जाएगा तो गाँव वाले सोचेंगे कि हाँ ग्राम प्रधान अच्छे लिख रहे, इन्होंने अच्छा विकास कराया। और जी दूसरे, हमारे गाँव में अस्पताल नहीं है बिल्कुल, दूर दूर तक बहुत बड़ी समस्या है। मरीज को ले जावे 20 किलोमीटर दूर अस्पताल है, एक अस्पताल ही मिल जाना चाहिए। और साहब ये मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि हमारे गांव में पंचायत घर एक टूटा पड़ा करते ताकि यहाँ किसी की ब्याह शादी हो तो मेहमान रुकने में बहुत बड़ी समस्या आती है। मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि साहब हमारे अगर पंचायत घर बन जाए तो मुख्यमंत्री जी को हमारे गांव वाले सभी याद करेंगे, साहब ये सरकार बहुत बढ़िया लिख रही और बहुत बढ़िया विकास कराया। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है।